अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 20, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब, चैप्टर 14, अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें आप पढ़ेंगे इस वक्त क्वेश्चन नंबर 20, यानी प्रश्न संख्या 20। यहां लिखा है हिंद क्लब का आगम शोधन खाता 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष का निम्नलिखित है। यहाँ पर दिया हुआ है गत वर्ष का शेष, चंदे यहाँ पर 14, 15 और 16, तीन वर्ष का लिखा हुआ है, लेकिन हमें बनाना है 2015 का, तो हम 2015 वाले चंदे पर विशेष ध्यान देंगे, बाकी 2014 और 16 से हमें कोई मतलब नहीं होगा। दान, नाटक से प्राप्त, पत्रिका का चंदा और भवन, भवन को बेच करके भी पैसा इन्हें मिला है, ये प्राप्तियां हैं, यानी ये रिसिप्ट कॉलम है, और इधर भुगतान है वेतन, नाटक व्यय, पत्रिका पर व्यय, नगर पालिका कर, दान व्यय, विनियोग, बिजली और रोकड़ शेष। जो समायोजना है, वह समायोजना है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे है, वह है क्लब में 500 सदस्य हैं, वार्षिक चंदा 5 रुपये है, नगर पालिका का कर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का है, क्लब के भवन का मूल्य 6,000 है और इस पर 4% से ह्रास भी लगाना है, विनियोगों पर 6% ब्याज अप्राप्य है, यानी यह ब्याज हमें मिलने वाला है। सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब बनाएंगे 2015 का, तो हम उस रकम पर विशेष ध्यान देंगे जिसका संबंध सिर्फ 2015 से ही हो। सबसे पहले यहाँ चंदा देखेंगे, 2015 का चंदा 2,050 रुपये है। मेंबरों की संख्या अगर देखें तो 500 मेंबर हैं, 5 रुपये के रेट से 500 × 5 करेंगे तो 2,500 रुपये होता है। इसका मतलब 2015 का ये चंदा 2,500 रुपये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2,050 दिया है, तो इसका मतलब 450 रुपये का आउटस्टैंडिंग होगा। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वह इस तरह से आपके सामने पेश होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में 22 सब्सक्रिप्शन, चंदा 2,050 रुपये में हम आउटस्टैंडिंग 450 जोड़ के पूरे 2,500 रुपये कर देंगे, यानी 2,500 हमें चाहिए टोटल, जिसमें हम 450 जोड़ करके ही उसे पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरी इनकम है डोनेशन, यानी दान, यहाँ पर 500 रुपये, उसमें कोई उलटफेर नहीं है। नाटक से प्राप्त है 950 रुपये, इनकम फ्रॉम ड्रामा 950 रुपये, सेम टू सेम लिखेंगे। पत्रिका का चंदा, यह भी हमारी इनकम है, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मैगजीन, यहाँ पर 45 रुपये का लिखा हुआ है। इसके बाद एक इनकम और है, इन्होंने विनियोग में 8,000 रुपये लगाए हैं, लेकिन उस पर यहाँ ब्याज बोला गया 6% से ब्याज लगाना है, तो हमने 8,000 × 6/100 किया तो 480 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमने लिखा है 480 रुपये का। ये साइड पूरी तरह से इनकम की है, यानी यह रकम उनको प्राप्त हो रही है। अब नंबर आता है खर्चों का। खर्चों में सबसे पहले सैलरी है 710 की। सैलरी के बारे में नीचे कोई जानकारी नहीं है, तो हम सैलरी टू सैलरीज के नाम से सीधा 710 रुपये लिख देंगे। इसके बाद दूसरा आइटम आप देखेंगे तो यहाँ पर है नाटक व्यय, यानी ड्रामा एक्सपेंसेस 450 रुपये है, तो ड्रामा एक्सपेंसेस भी 450 ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद पत्रिका पर व्यय 350 रुपये, मैगजीन एक्सपेंसेस 350 रुपये, सेम टू सेम है। इसके बाद यहाँ लिखा गया है नगर पालिका कर 40 रुपये, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 31 मार्च नेक्स्ट ईयर मतलब 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का भी इसमें जुड़ा हुआ है। वैसे म्यूनिसिपल टैक्स दिसंबर 31 को समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन 31 मार्च तक है, तो यानी 3 महीने का फालतू है, तो हम 40 × 3/12 करेंगे तो 10 रुपया आएगा। इसका मतलब 40 रुपये में 10 रुपये एडवांस है, तो हमने 40 रुपये में से 10 रुपये घटा के 30 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स कर दिया है। इसके बाद दान का खर्चा है 350 रुपये, इसको ऐसे ही लिखेंगे चैरिटी 350 रुपये।
बिजली का खर्चा विनियोग तो नहीं आएगा क्योंकि ये संपत्ति है, संपत्तियां नहीं आती हैं, लेकिन संपत्तियों से इनकम अगर हो रही हो किसी प्रकार की तो वह आ जाती है। जैसे कि यहाँ विनियोग से इनकम हुआ है 6% ब्याज का, तो वह हमारी इनकम मानी गई, लेकिन इसको खरीदने का जो पैसा है यह संपत्ति है, इसको एसेट्स में दिखाएंगे। बिजली 145 की यानी इलेक्ट्रिसिटी 145 का है। अब हमारे सारे खर्चे और हमारे सारे जो आमदनी है, इनकम है, वह हो चुका है। इनकम का अगर हमने टोटल किया तो इसका टोटल यहाँ पे आप देखेंगे 4475 रुपये आएगा, 4475 रुपये। यही साइड ज़्यादा है और ये साइड कम है, यानी खर्चे कम हैं और इनकम ज़्यादा है। तो हमारी इनकम 4475 यानी 4475 रुपये में से इन सभी को हम घटा देंगे तो हमें सरप्लस प्राप्त होगा, जिसे हम फायदा बोलते हैं, नेट प्रॉफिट, वहाँ या उसी को ही हम यहाँ सरप्लस के नाम से लिखेंगे। इसका दूसरा नाम होता है एक्सेस ऑफ इनकम, यानी इनकम का ज़्यादा होना, ओवर एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिचर पर। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी इसका नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसको सरप्लस लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट 2014 की, यह जानकारी लेने के लिए कि हमारी पूंजी कितनी है। जब हम 2014 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2014 की बैलेंस शीट के लिए हमारे पास 2014 की ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए पिछले साल का सबसे पहले ये कैश बैलेंस जो दिया है 1025 का, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2014 लिखेंगे। सबसे पहले उस कैश का इस्तेमाल करेंगे जो 1025 रुपये का है। उसके बाद दूसरा अमाउंट 2014 का यहाँ चंदा भी लिखा हुआ है 40 रुपये, उसको लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40 रुपीज़ का। इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है बिल्डिंग भी इनके पास 6000 की मौजूद है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की रकम पिछले साल से संबंधित यहाँ कहीं भी लिखी नहीं है, तो हम और कुछ नहीं लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे और ये 7065 रुपया आएगा। इसी को इधर भी लिखेंगे और यही हमारा कैपिटल फंड बन जाएगा। जब हम बैलेंस शीट 2015 दिसंबर 31 की नई वाली बनाएंगे करंट ईयर की, उसमें हम इसी पूंजी को, इसी कैपिटल को लिखेंगे 7065 रुपये, और इस पूंजी में हम सरप्लस को जोड़ देंगे। सरप्लस कौन सा? ये 2440 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो 9505 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एडवांस होता है 2016 का, जिसका कि अभी कोई संबंध नहीं है, 60 रुपीज़ एडवांस सब्सक्रिप्शन यही लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, हमेशा याद रखेंगे। जिस साल का हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, उस साल में अगर अगली साल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनकम के तौर पर लिखा है तो वह हमारे लिए लाइबिलिटी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 60 रुपये लाइबिलिटी है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई खर्चा हमारी आउटस्टैंडिंग में शामिल नहीं है। इस प्रकार से इसका टोटल हो चुका है 9565 रुपये। अब पहुंचते हैं एसेट्स में। जब हम बैलेंस शीट 2014 की बनाते हैं तो हम ये वाली बैलेंस शीट में कैश को डालते हैं, लेकिन जब हम 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ये वाला कैश बैलेंस डालेंगे 625 रुपये को। यहाँ पर इस प्रकार से कैश 625 रुपये। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 8000 का। इन्वेस्टमेंट में हमने 480 रुपये जो ब्याज काटा था 6% का, यहाँ पर उसको हमने लिख दिया है। 480 रुपये जोड़कर 8480 हो गया। एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स जो हमने यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स एडवांस किया था, प्रीपेड हुआ था, वो हमारे लिए एसेट्स है, उसको हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में 10 रुपये लिखेंगे। इसके बाद जो चंदा हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की इनकम का जोड़ा था, वह हमारे लिए एसेट्स है, उसको भी हम यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। इस प्रकार से एसेट साइड भी 9565 रुपये पूरा हो गया और लाइबिलिटी साइड आपने देख ही लिया है। इस प्रकार से यह पूरी बैलेंस शीट अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 20 कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपने देखा होगा हमने यहाँ पर भवन का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया 4%। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस भवन को इन्होंने पहले, इनके पास ही भवन था जो कि हमने इस बैलेंस शीट में बिल्डिंग के नाम से लिखा,
लेकिन यहाँ प्राप्तियों की ओर उन्होंने भवन को दिखा दिया। प्राप्तियाँ का मतलब होता है इस भवन को बेच दिया गया और इसका पैसा इन्होंने ले लिया। जब भवन इनके पास नहीं है, भवन बिक चुका है, तो भवन का डेप्रिसिएशन का कोई मतलब नहीं निकलता, इसलिए 6,000 रुपये पर ये 4% का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। इस बात को आप नोटिस करेंगे। आपने सोचा होगा इसको हमने नहीं बताया, नहीं बोला, तो आखिर क्या होगा? तो इसका रीजन आपको लास्ट में हमने बता दिया है। फिर लेकर आएंगे एक अच्छी वीडियो। वीडियो थोड़ा लेट अब की बार हो गई है, इस वजह से हमें कोई प्रॉब्लम थी, खैर अब वो नहीं है, अब मिलेगी आपको बराबर वीडियो। फिर ले आएंगे अच्छी वीडियो, खास महत्वपूर्ण आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।